नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शब्द रूपांतरण के अंतर्गत भाग तीन लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हमने लिंग पढ़ लिया था और दूसरे वीडियो में वचन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कारक। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन जरूर प्रेस करें। प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी अमूल्य उचित राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर प्रेषित करें। तो आज का टॉपिक है कारक। टॉपिक का नाम है कारक। कारक अगर वैसे देखें तो ये बना है मिलकर के कार और क से। कार का तात्पर्य है कार्य और क का तात्पर्य है करने वाला। करने वाला अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है कार्य करने वाला, यानी कार्य करने वाला कारक कहलाता है। तो कार्य तो आपके कर्ता भी करता है, तो कर्ता कार्य करता है वाक्य में क्रिया के संदर्भ में। वाक्य में क्रिया के संदर्भ में जो कोई कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। लेकिन जो कारक है वो वाक्य में अन्य पदों से संबंध बताता है, बस इतना सा फर्क है। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी ये क्या होता है, वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का अन्य पदों के साथ और विशेषकर के क्रिया के साथ में संबंध बताते हैं। विशेषकर क्रिया के साथ में जो संबंध बताते हैं वह कारक कहलाते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं या कारक कहता है। ये वाक्य में दो पदों को जोड़ने का काम करता है, बस ये विशेष करके बात है वो ध्यान रखनी है। विभक्ति, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए, जैसे कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है उसे विभक्ति या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक कारक का अपना विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो ये जरूरी नहीं है। यानी प्रत्येक कारक का अपना विभक्ति चिन्ह होता है, लेकिन हर किसी के साथ विभक्ति चिन्ह हो ये आवश्यक नहीं है। वैसे कारक को परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। आगे हिंदी में कारक आठ प्रकार के होते हैं। अगर हिंदी में कारकों की बात करें तो हमें आठ प्रकार करने हैं, और मूल कारकों की अगर बात करें तो मूल कारक छः प्रकार के होते हैं। मूल कारक छः प्रकार के होते हैं। मूल कारकों में कौन से हिंदी वाले कारक नहीं होते हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। कौन कौन से कारक हैं, एक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये आठ कारक है वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इसमें संबंध और संबोधन कारक है वो मूल कारकों में सम्मिलित नहीं है, इसलिए मूल कारकों में छः ही कारक बच जाते हैं और हिंदी में आठ कारक प्रयुक्त होते हैं, बस ये ध्यान रखनी है। आगे है कर्ता। कर्ता जो कारक है इसकी नए विभक्ति है। इनको याद करने के लिए क्या करना है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथक, संबंध काके की नाने नी रारे री, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अहो अरे, इस तरीके से हमें ये याद करना है। तो कर्ता ने क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी क्रिया को जो करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया को जो करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है वो ने है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी कर्ता कारक के साथ अगर ने विभक्ति का प्रयोग हो गया तो वो वाक्य सीधा भूतकालिक में चला जाएगा। अतः वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है,
तो ये वर्तमान काल की क्रिया है। अगर इसको हमने भूतकाल बना दिया तो अभिषेक ने पुस्तक पढ़ी, अभिषेक ने पुस्तक पढ़ी। गुंजन हस्ती है, आलोक ने पत्र लिखा, ये भूतकाल का है, और इसको वर्तमान कालिक करते हैं तो आलोक पत्र लिखता है। तो इस तरीके से हमें कर्ता कारक की है वो पहचान करनी है। आगे है कर्म कारक। कर्मकार की विभक्ति है वो को विभक्ति है। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया किए हुए कार्य का फल पड़ता है, उसे कर्मकारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह को है। इसकी विभक्ति चिन्ह है वो को है। कर्मकारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। वाक्य में क्या होता है, ये जैसे वाक्य में जैसे क्रिया करते हैं, या वाक्य में जब क्रिया होती है, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है, और ये कर्म क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। यानी क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है? अगर कर्ता, कर्म और क्रिया होती है वाक्य में, तो वहाँ अगर ये तीनों वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो क्रिया का फल सबसे पहले कर्म पर पड़ेगा। यानी क्रिया का नियम है कि क्रिया से जस्ट जो पहले होता है उस पर क्रिया का प्रभाव है पड़ता है, तो क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म होता है। तो यहाँ वाक्य में इसमें दिया है कि वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है या प्रभाव पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है वो को है। कर्मकारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव में क्यों नहीं लगती है। सजीव अगर होती है तो कर्म कारक में को विभक्ति लगती है, अदरवाइज नहीं लगती है। तो हर वाक्य में, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था कि हर वाक्य में विभक्ति लगे ये जरूरी नहीं है, उसी तरह हमें पहचान करनी होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण यहाँ पे सजीव है, तो यहाँ पे को विभक्ति लग गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रावण है वो कर्म है और राम है वो कर्ता है, मारना क्रिया है। जैसे नंदू दूध पीता है अगला, तो अगर यहाँ पे अगर हमने को चिन्ह लगा दिया, विभक्ति चिन्ह लगा दिया, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो वाक्य शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से अगर देखें तो कारक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर नंदू वाक्य इस तरीके से अगर करें, नंदू दूध को पीता है, तो नंदू दूध को पीता है, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है स्वे। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। यानी क्रिया जिस साधन या माध्यम से करता है, अर्थात क्रिया के साधन को है वो करण कारक कहते हैं, क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह है इसकी से या के द्वारा। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, तो चाकू से, चाकू यहाँ साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, चाकू साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो से है वो इसकी विभक्ति चिन्ह है। तो चाकू है वो करण कारक है इसमें। मैं पेन से लिखता हूँ, पेन यहाँ पे क्या है, साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और पेन यहाँ पे करण कारक है, और से है वो इसका विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक, संप्रदान को के लिए और के वास्ते। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, तो संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहां को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। यानी देने के अर्थ में जब बात की जाती है, कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, तो वहाँ तो लगता है के लिए, वहाँ तो के लिए लगता है। लेकिन जब क्रिया द्विकर्मी हो, यानी क्रिया के अंदर दो कर्म प्रयुक्त हो और वो देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, तो वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जब देने के संदर्भ में बात की जाती है, ऐसी वस्तु जो देकर के वापस नहीं ली जाती है, उपहार, भेंट और पुरस्कार, इस तरीके का एक वाक्य मैंने एक बार बताया था, तो उसमें अगर
ऐसी ऐसा वाक्य अगर हो तो वहां जो गौण कर्म है वो संप्रदान कारक बन जाएगा, जिस तरीके से इसमें ये बताया गया है कि द्विकर्मक अगर वाक्य हो उसमें अगर देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहां को विभक्ति भी प्रयुक्त हो जाती है। तो यहां जो गौण कर्म है वो संप्रदान कारक बन जाएगा। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि ये गरीब और कंबल है वो कर्म कारक है, लेकिन ये कर्म कारक नहीं है। कंबल एक कर्म कारक है और गरीब जो है वो संप्रदान कारक है। आलोक मां के लिए दवाई लाया, तो मां यहां संप्रदान कारक है और के लिए वो इसका विभक्ति चिन्ह है। चलिए सामान्यतः इसके लिए के लिए ही प्रयुक्त होता है। सिर्फ को कब प्रयुक्त होता है? जब द्विकर्मक हो और कुछ देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, और देने में कौन सी चीज हो जो देकर के वापस नहीं ली जाती हो। जो तीन चीजें मैंने आपको बताई है, पुरस्कार है, उपहार है, भेंट है आदि, इन चीजों के संदर्भ में अगर कोई वाक्य दिया जाता है तो वहां को विभक्ति भी संप्रदान कारक में प्रयुक्त होती है। अपादान कारक, अपादान का तात्पर्य होता है अलग होना, पृथक होना। तो इसके संदर्भ में इसकी विभक्ति चिन्ह है अपादान कारक में क्या है? जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने की तुलना करने का भाव का बोध होता है, वहां अपादान कारक होता है। यानी क्या होता है? इसमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से या तो तुलना की जाती है कि भाई ये इससे बढ़कर के ये है, और या फिर उसमें क्या होता है कि अलग होने का भाव होता है। इन दो कंडीशन के अंदर अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम के बोध होता है तो वहां अपादान कारक होता है, और इसका विभक्ति चिन्ह है वो सेपृथक है। सेपृथक या अलग या तुलना के संदर्भ में ये प्रयुक्त होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरने के बाद में पेड़ से पत्ता है वो अलग हो रहा है, और कविता सविता से अच्छा गाती है, तो यहाँ तुलना हो रही है। कविता की तुलना सविता से हो रही है गाने के संदर्भ में, तो तुलना और अलग होने के पृथक होने के संदर्भ में अपादान कारक प्रयुक्त होता है। संबंध कारक, काके की रा रे री ना ने नी, ये इनके विभक्ति चिन्ह है। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे का के की है ना, ये सिर्फ संज्ञा में प्रयुक्त होती है, ये सिर्फ संज्ञा में प्रयुक्त होती है। तो ये क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं सभी। जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो अजय की, ये जो की है वो संबंध बता रहा है। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, तो तुम और ये रा जो अंतिम आ रहा है, और इसमें अगले वाक्य में है अपना, तो ये ना है, ये भी संबंध बता रहा है। आगे है अधिग्रहण कारक, मैं पेपर। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिग्रहण कारक कहते हैं। तो ये वाक्य में क्या करते हैं, क्रिया के आधार का बोध कराते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के रूप से क्रिया के आधार का बोध करवाते हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मेज पर पुस्तक पड़ी है, ये आधार क्या है, मेज है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज के ऊपर पुस्तक पड़ी है या मेज के पर पड़ी है, तो यह मेज है वो आधार है। अगला है संबोधन कारक, हे ओ अरे। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इनकी विभक्ति है चिन्ह हे ओ अरे। तो इसमें जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे राम यहाँ आओ, तो ये बुलाने के संदर्भ में या पुकारने के संदर्भ में वो
कार विभक्ति चिन्ह वो प्रयुक्त हुए हैं। आगे हैं, सर्वनाम में कारक सात ही होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम में सात कारक ही होते हैं, ये वो ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा विशेष तथ्य कुछ हैं, इनमें अगर ध्यान रखें तो कारकों को पहचानने की बात थोड़ी अलग और हो जाएगी, विशेष तौर से पहचान आसान हो जाएगी। करण कारक, करण कारक में विकलांगता, विवस्था, व्याकुलता और दो अव्यय शब्द हैं जैसे के साथ और के बिना, अगर इन सब का भाव का बोध होता है तो वहाँ करण कारक प्रयुक्त होता है। आगे है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में जैसे रुचि है, पसंद है, ईर्ष्या है, नम है, अलम है, स्वाहा है, ये सारे शब्दों का अगर भाव या बोध होता है तो यहाँ संप्रदान कारक माना जाएगा। इसके अलावा अपादान कारक है, अपादान कारक हमेशा पृथकता के या तुलना के रूप में संदर्भ में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ घृणा होती है, तो घृणा जब हम किसी से करते हैं तो हम उससे अलग होने की सोचते हैं या अलग हो जाते हैं। निषेधता, निषेधता अलग का प्रतीक है, भय, भय जब किसी चीज़ से लगता है तो हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। उत्पन्न, अध्ययन, ये सारे है वो अपादान कारक के उदाहरण हैं। अधिकरण में उत्तम अवस्था होती है और वह उस पर गया का भाव इसमें दिया गया है। आगे है कारक की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, तो महत्वपूर्ण भूमिका तो इसमें होती है कि विभक्ति चिन्ह से ही इसकी पहचान की जाती है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि कर्ता से लेकर अधिकरण कारक अर्थात एक से सात तक क्रमशः, एक से सात तक जो क्रम से कारक होते हैं इनमें क्या होता है कि वाक्य में जहाँ इनकी विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहले संबंधित विभक्ति का कारक होता है, यानी जहाँ वाक्य में विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहले विभक्ति कारक होता है। जैसे एक वाक्य सेंटेंस है जैसे राम ने धर्म के लिए बाण से रावण को मारा, तो यहां पे ने है धर्म के लिए, रावण को बाण से, ये विभक्ति चिन्ह है। जैसे यहां पे विभक्ति चिन्ह है राम ने, ये कर्ता विभक्ति चिन्ह है, और धर्म के लिए ये संप्रदान विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान की, बाण से तो ये करण कारक की विभक्ति चिन्ह है, और रावण को ये कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो इस लाइन में लिखने का ये तात्पर्य था कि ये जो विभक्ति चिन्ह है, इन विभक्ति चिन्ह से जस्ट जो पहले प्रयुक्त होता है, इन विभक्ति चिन्ह से जस्ट जो पहले प्रयुक्त होता है वो कारक कहलाता है। जैसे ये विभक्ति चिन्ह ने है, तो ने है वो किसकी, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है, तो ये राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। धर्म के लिए, तो के लिए संप्रदान की विभक्ति चिन्ह है, तो धर्म है वो संप्रदान कारक है। बाण से करण कारक की विभक्ति चिन्ह है से, तो बाण है वो करण कारक हो जाएगा। रावण क्या है, रावण के आगे जो विभक्ति चिन्ह लगी है ये कर्म की लगी है, तो रावण है वो कर्म कारक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस चिन्हों की पहचान की करनी है या की जाती है। और इसमें संबोधन जो कारक है इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें क्या होता है विभक्ति चिन्ह है वो पहले प्रयुक्त होता है और कारक है वो बाद में प्रयुक्त होता है। जैसे ये है, ये विभक्ति चिन्ह है और ये कारक है, ये विभक्ति चिन्ह है, अरे विभक्ति चिन्ह है और ये कारक है। गला बहुत ज़्यादा खराब है और कल इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था, आज भी बहुत मुश्किल से इसको बना पाया हूँ, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह प्यार देवें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपनी अमूल्य राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर प्रेषित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।